हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर कैसे हो आप सभी मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे मैथ्स की लास्ट क्लास में मैंने आपको लाभ और हानि पर आधारित प्रश्न कराए थे जिससे मैंने आपको प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि साथ साथ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य भी निकालना सिखा दिया था और इसके साथ ही आपका प्रतिशतता वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया आज मैं आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ जो है अवर्गीकृत आंकड़ों को पिक्टोग्राफ बारग्राफ और पाई चार्ट पर प्रदर्शित करना ठीक है ये जो आपका चैप्टर है यहाँ से आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आया है डी में फर्स्ट सेमेस्टर में और वो भी आया है दो नंबर का तो इसको अच्छे से तैयार कर लो बहुत ही आसान टॉपिक है ये और हर बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वो पिक्टोग्राफ से पूछे गए हैं हालांकि बारग्राफ और पाई चार्ट से भी क्वेश्चन आए हैं पर बहुत ही कम कभी कभार ही आया हुआ है तो चलिए शुरू करते हैं आपकी क्लास सबसे पहले रहेगा अवर्गीकृत आंकड़े क्या हैं अवर्गीकृत क्या है जिसको वर्गीकृत नहीं किया यानी कि एक अच्छे साड़नी में प्रस्तुत नहीं किया गया और आंकड़े में डेटा अब जैसे मैंने आपको बोला कि किसी विद्यालय के कक्षा एक से लेकर कक्षा पाँच तक के विद्यार्थियों की कुछ संख्या आपको दी है कक्षा एक में बीस विद्यार्थी हैं कक्षा दो में आपके तीस हैं कक्षा तीन में दस विद्यार्थी हैं कक्षा चार में पाँच विद्यार्थी हैं कक्षा पाँच में आपके मान लीजिए पैंतालीस विद्यार्थी हैं अब इन विद्यार्थियों की संख्या को हम पिक्टोग्राफ पर भी प्रदर्शित कर सकते हैं बारोग्राफ पर भी कर सकते हैं और पाईग्राफ पर भी कर सकते हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जो है वो यही है कि आपको जो भी आंकड़े दिए जाएंगे उन आंकड़ों को कहीं ना कहीं इन ग्राफों पर दर्शाना है या तो पिक्टोग्राफ पर दर्शाएं या बारग्राफ पर या पाई चार्ट पर किस पर दर्शाना है वो आपको प्रश्न में खुद ब खुद बोला जाएगा तो सबसे पहले हम प्रदर्शित करेंगे पिक्टोग्राफ पर देखिए पहले पिक्टोग्राफ होता क्या है पिक्टोग्राफ में आपको पिक शब्द आ रहा है यानी कि पिक्चर्स ठीक है तो ऐसा ग्राफ जिसमें आप आंकड़ों को पिक्चर के द्वारा या फिर उन पिक्चर्स को किसी सिंबल के द्वारा दर्शाएंगे वो होता है पिक्टोग्राफ यह ग्राफ एक ऐसा ग्राफ है जो चित्र या प्रतीक का उपयोग करके संख्यात्मक जानकारी को देता है जैसे आपने छोटे बच्चों की बुक में देखा होगा वन टू फाइव में उनकी में जो चार्ट बने होते हैं जहाँ आंकड़े दिए जाते हैं तो कहीं आइसक्रीम्स की पिक्चर बनी हुई है कहीं लड्डू बने हुए हैं कहीं बॉल बनी हुई है तो वहाँ क्या है चित्र के द्वारा जानकारी दी जा रही है वही है आपका पिक्टोग्राफ ठीक है इसीलिए इसको हम पिक्टोग्राफ पिक्टोरल चार्ट या फिर पिक्चर ग्राफ भी कहते हैं उदाहरण में सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है और इस क्वेश्चन में जो भी आंकड़े दिए गए हैं इन आंकड़ों को हम ग्राफ पर कैसे दर्शाएंगे ठीक है सबसे पहले पिक्टोग्राफी हम समझते हैं क्वेश्चन है आपका एक दुकानदार के द्वारा अगस्त से दिसंबर तक बेची गई गेंदों की संख्या सारणी में दी गई है ये सारणी है इसमें अगस्त में उसने चालीस गेंद बेची हैं सितंबर में तीस अक्टूबर में बीस और नवंबर में पचास दिसंबर में सत्तर इतनी गेंद उसने बेची हैं इस आंकड़े को पिक्टोग्राफ पर दर्शाना है तो पिक्टोग्राफ पर दर्शाने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको अब देखिए हम क्या करेंगे कहीं ना कहीं बॉल बनाएंगे। बॉल की बात करिए तो बॉल बनाएंगे। अब बताइएगा क्या आप अगस्त में जो आप चार्ट बनाएंगे उसमें चालीस बॉल बना सकते हैं सितंबर के लिए तीस बॉल बनाएंगे अक्टूबर के लिए बीस बॉल बनाएंगे नवंबर के लिए पचास दिसंबर के लिए सत्तर इतनी अगर बॉल बनाएंगे हम फिर तो क्वेश्चन निकल गया एग्ज़ाम में टाइम भी निकल गया तो हमें क्या करना होगा हम ऐसा कर सकते हैं कि हम एक बॉल बनाएं और वो जो बॉल रहेगा जो बॉल का चित्र रहेगा वो कहीं ना कहीं अधिक बॉलों को प्रदर्शित करे जैसे मान लीजिए हमने क्या किया एक बॉल बनाई बट ये बॉल क्या करे कि दस बॉल को प्रदर्शित करे दस बॉल को दर्शाए तो हम कैसे करेंगे कहीं दस बॉल लें कहीं बीस बॉल लें कन्फ्यूज़न रहेगा ना तो आपको क्या करना है जितने भी नंबर्स दिए इन नंबर्स का एक ऐसा नंबर निकालो जो इन सब नंबर में कॉमन हो तो आप देखेंगे चालीस तीस बीस पचास सत्तर ये कहीं ना कहीं दस की टेबल में आ रहे हैं दस के पहाड़े में आ रहे हैं यानी कि इन सब में कॉमन नंबर क्या है दस है तो हम यहाँ पर ले लेंगे एक बॉल बराबर दस बॉल यानी कि एक बॉल अगर हम बनाएंगे चित्र में तो वो कहीं ना कहीं दस बॉलों को प्रदर्शित करेगी क्लियर है अब हम बॉल बनाएंगे कैसे अगस्त में है कितनी चालीस बॉल हैं तो कितने चित्र बनाने पड़ेंगे दस का भाग दे दिए चालीस में कितने बनेंगे दस चौक चालीस यानी कि अगस्त में कितनी बॉल बनानी है चार सितंबर में कितनी बनेंगी तीस बॉल है ना दस का भाग दो दस तिया तीस यानी सितंबर में तीस बॉल बने तीन बॉल बनेंगी अक्टूबर में कितनी बनेंगी बीस है ना दस धूनी बीस यानी कि अक्टूबर में दो बॉल बनेंगी नवंबर में कितनी बनेंगी दस पना पचास पाँच और यहाँ पर सात सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक चार्ट सा ड्रॉ करना है बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे इस प्रकार से यहाँ पर लिखा जाएगा माह कौन सा महीना है और यहाँ पर लिखी जाएंगी बॉल की संख्या ठीक है अगस्त के लिए सितंबर के लिए अक्टूबर के लिए नवंबर के लिए और ये दिसंबर के लिए हो जाएगा तो यहाँ पर हम महीनों का नाम लिख देते हैं अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर अब हम बॉल ड्रॉ करते हुए चलेंगे अगस्त में कितनी बनानी है चार तो एक बॉल दो बॉल तीन और चार सितंबर में कितनी बनानी है तीन तो एक दो तीन अक्टूबर में दो बनानी है तो एक दो नवंबर में पाँच एक दो तीन चार पाँच बॉल दिसंबर में सात बनानी है तो एक दो तीन चार पाँच छ और सात इस प्रकार से हम बॉल को दर्शाएंगे अब एक बॉल का मतलब क्या है दस बॉल तो देखो यहाँ पर अगस्त में कितनी बनी दस दस बीस तीस चालिस। चालीस चालीस ही बॉल तो थी इस प्रकार से हम पिक्टोग्राफ पर चित्र की सहायता से दर्शाते हैं उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा और आप सभी अब कर पाएंगे यहाँ पर चित्र बना हुआ है आप इस चित्र को देख करके ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं ठीक है इस प्रकार से जैसे चाहें आप वैसी डिज़ाइन बना दीजिएगा ड्रॉ करना है बस आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए हैं नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है इन्हें पिक्टोग्राफ पर प्रदर्शित करें ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार डी में पूछा जा चुका है संख्या भी नहीं बदलते हैं वो ठीक है पंद्रह पैंतालीस हो सकता है कि वहाँ पर डेढ़ सौ कर दें एक एक जीरो और लगा दें संख्या तक नहीं बदलते हैं यही क्वेश्चन दो बार आया हुआ है ठीक है गुलाब के फूल कितने हैं तीस गेंदे के पच्चीस जूही के दस डहेलिए के पंद्रह रजनीगंधा के पैंतालीस तो आपको एक कॉमन नंबर ढूंढ रहा है आप देखिए सब संख्याएं पाँच से डिवाइड हो रही हैं पान छिक्का तीस पचम पच्चीस पानदुनी दस पान्तिया पंद्रह पान निम पैंतालीस तो आप क्या करेंगे कि आप पिक्टोग्राफ पर जो फूल एक फूल बनाएंगे वो फूल कितने फूलों को प्रदर्शित करेगा पाँच फूलों को एक फूल बराबर कितने फूल हैं पाँच फूल तो इस हिसाब से बताइए गुलाब के फूलों की कितनी संख्या बनानी पड़ेगी आपको चित्र कितने बनाने पड़ेंगे तो पाँच से डिवाइड कर दो पान छिक्का तीस यानी कि छः फूल बनाने हैं गेंदे के कितने बनाने हैं पचम पच्चीस यानी कि पाँच फूल जूही के दूनी दस डहेलिए के पान्तियाँ पंद्रह फूल रजनीगंधा के पानिम पैंतालीस फूल नौ फूल बनेंगे ठीक है ये मैं बस इसलिए लिख रही हूँ ताकि याद रहे कि कितने कितने फूल बनाने एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत नहीं एग्ज़ाम में डायरेक्ट आप फूल बनाइएगा ठीक यहाँ पर फूल यहाँ पिक्टोग्राफ इस तरीके से लाइन खींच देते हैं नाम डाल दीजिए सभी के क्या क्या हैं गुलाब फिर गेंदा जूही डहेलिया और रजनीगंधा फूल ही तो बनाने हैं बना दो फूल तो मैं यहाँ फूल बना रही हूँ कितने बनाने है? गुलाब के छः फूल बनाने हैं तो एक दो तीन चार पाँच छः छः फूल बन गए गेंदे के कितने बनाने हैं पाँच तो एक दो तीन चार और ये रहा पाँच जूही के बनाने कितने हैं दो फूल बनाने हैं तो एक और दो दहेली के तीन बनाने हैं एक दो और तीन रजनीगंधा के कितने नौ बनाने हैं तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और एक यहाँ बीच में फिक्स कर देती हूँ नौ बन गए नौ फूल तो इस तरीके से ये बनाना है अब भाई आप सभी अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से जो चित्र रहेंगे वो आपके बन जाएंगे ठीक है गुलाब के आप देख सकते हैं कितने फूल बने हैं छः एक दो तीन चार पाँच छः ऐसे गेंदे के एक दो तीन चार पाँच फूल और जूही के दो दहेली के तीन फूल बनाए रजनीगंधा के एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका विभिन्न वर्षों में एक विद्यालय की बालिकाओं की कुल संख्या निम्नलिखित सारणी के द्वारा प्रदर्शित है इसे पिक्टोग्राफ पर दर्शाएं यदि एक बालिका बराबर कितनी है सौ बालिकाएं आपको दी गई हैं यानी कि आप एक बालिका का अगर चित्र बनाते हैं तो वो एक बालिका कितनी बालिकाओं के बराबर है सौ बालिकाओं के बराबर है तो आप बताइए वर्ष उन्नीस में कितनी बालिकाओं के चित्र बनाने पड़ेंगे सौ से डिवाइड दे दो सौ से पच पाँच सौ में देंगे कितना बचेगा पाँच यानी कितने चित्र बनेंगे पाँच ऐसे उन्नीस सौ छियानवे में कितने बनेंगे सौ से डिवाइड करेंगे छः सौ कितने आ जाएंगे छः इसमें छः चित्र बनेंगे उन्नीस सौ सत्तानवे में कितने बनेंगे चार उन्नीस सौ अट्ठानवे में कितने बनेंगे सात क्लियर तो उसी हिसाब से आप यहाँ पर चित्र बना सकते हैं कुछ इस प्रकार से देख लीजिएगा यहाँ मैंने ड्रॉ किए हुए उन्नीस सौ पंचानवे में कितने बनाने थे पाँच तो देखो पाँच बनाए हैं एक दो तीन चार पाँच छियानवे में छः बनाने थे तो एक दो तीन चार पाँच छः सत्तानवे में चार बनाने थे तो एक दो तीन चार और अट्ठानवे में सात बनाने थे तो एक दो तीन चार पाँच छ सात तो इसी प्रकार से आप जो है वो एग्ज़ाम में ड्रॉ करेंगे जैसे चाहे वैसे अगर ये टफ लग रहे हैं तो ऐसे बना दीजिए ठीक है जैसे आपको ठीक लगे ठीक बन गई बालिका आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे लगाए गए हैं नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है इन आंकड़ों को पिक्टोग्राफ पर दर्शाइए क्वेश्चन सेम वैसा ही है सोलह और अठारह में पूछा गया है सिर्फ क्या किया जहाँ तीस संख्या थी वहाँ तीन सौ कर दी जहाँ पच्चीस थी वहाँ ढाई सौ कर दी इतना ही तो किया और कुछ नहीं किया है अब आपको क्या करना है अब आप देखिए पहले कॉमन कितना मिल रहा था पाँच अब सब में दस दस और बढ़ गए दस का ही तो हुआ है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जब एक फूल बनाएंगे तो एक फूल बराबर कितने फूल लेंगे पचास फूल लेंगे ठीक है एक फूल बराबर पचास फूल तो यहाँ से गुलाब के कितने फूल बनाने पड़ेंगे भाग दे दीजिए पचास का ज़ीरो से जीरो कैंसिल पाँच का तीस गुलाब के छः फूल बनेंगे ऐसे गेंदे में के निकालने हो तो पचास से भाग दो जीरो से ज़ीरो कैंसिल पाँच एकम पाँच पचम पच्चीस यानी गेंदे के बनेंगे पाँच फूल जूही के कितने बनेंगे पचास से भाग दो जीरो ज़ीरो कैंसिल पान दूनी दस दो फूल डहेली कितने बनेंगे पचास से भाग दे दीजिएगा जीरो ज़ीरो कैंसिल पाँच गम पाँच पानती पंद्रह डहेली के तीन फूल रजनीगंधा कितने बनेंगे पचास से भाग दो जीरो ज़ीरो पाँच एकम पाँच पान निम पैंतालीस तो ग्रजनी गंदा के नौ फूल बनने हैं डहेलिए के तीन फूल बनने हैं जूही के दो फूल बनेंगे गेंदे के लिए पाँच बनेंगे और गुलाब के लिए छः बनेंगे सभी को समझ में आ गया इतना चलिए तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से फूल बनाने हैं जैसे चाहें आप वैसे ड्रॉ कर लीजिएगा मैंने यहाँ पर ड्रॉ इस तरीके से किया है गुलाब के लिए कितने बनाने थे छः फूल तो छः फूल बने होंगे यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः गेंदे के लिए बनाने थे पांच फूल तो एक दो तीन चार पाँच जूही के लिए दो तो एक दो डहीले के लिए तीन थे एक दो तीन रजनीगंधा के लिए नौ तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ क्लियर और ये डिज़ाइन कैसे बनाई है वो भी सिखा देती हूँ यू बनाइएगा एक ऐसे करिए एक ऐसे करिए और ऐसे कर दीजिए फिर बीच में से ऐसे ऐसे -एस तीन लाइन निकाल के बिंदी रख देना बन गई चलो आगे आते हैं नेक्स्ट क्या है एक दुकानदार द्वारा अप्रैल से जुलाई तक बेचे गए 200 पंखे पिक्टोग्राफ के द्वारा दर्शाए गए हैं एक पंखा कितने पंखों को दर्शा रहा है दस पंखों को तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए एक पंखा दर्शा रहा है दस पंखों को क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है पहला जुलाई में कितने पंखे बिके जुलाई कहाँ पर है यहाँ पर कितने पंखे बिके होंगे एक दो तीन चार चित्र चार दिखा रहा है क्वेश्चन बताया था एक पंखा दस के बराबर है तो चार गुणा दस यानी कितने पंखे बिके हैं चालीस पंखे बिके हैं जुलाई में नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा पंखे किस माह में बिके जिसमें सबसे ज़्यादा चित्र बने हैं किस में बने हैं तो जून में बने हैं एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच छः सात चित्र बने हैं तो सबसे ज़्यादा कौन से महीने में पंखे बिके हैं जून में तो आंसर हो जाएगा जून मई व अप्रैल में बिके पंखों का अंतर बताइए मई में कितने पंखे बिके हुए हैं तो एक दो तीन चार पाँच छः यानी कि छः गुणा दस कितने बिके हैं साठ बिके हैं और अप्रैल में कितने बिके हैं एक दो तीन यानी तीन गुणा दस टोटल कितने पंखे बिके हैं तीस तो इनका अंतर क्या हो जाएगा साठ माइनस का तीस यानी कि तीस हालांकि ये क्वेश्चन ऐसा आपके एग्ज़ाम में इतना नहीं पूछा जाएगा बच्चों वाला क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम में जो दिया है वो चित्र बनाने को दिए यानी कि पिक्टोग्राफ पर दिखाने को दिया है तो उसको अच्छे से सीख लो इसके बाद आगे आते हैं हम बार ग्राफ पर बार ग्राफ में क्या करते हैं बार ग्राफ में आप जो आंकड़ों को दर्शाएंगे वो बार रूप के रूप में यानी कि स्तंभों के रूप में दर्शाएंगे ठीक है इस प्रकार के स्तंभों के रूप में इसको कहते हैं बार बारग्राफ बार ग्राफ में हम आंकड़ों को ग्राफ पेपर पर खड़े स्तंभों के रूप में दर्शाते हैं ग्राफ पेपर देखा होगा ना सभी ने ऐसे ऐसे करके बना हुआ होता है इस पर लाइन्स होती हैं वो ग्राफ पेपर होता है ग्राफ में स्तंभों के बीच चौड़ाई को समान रखा जाता है जैसे एक ग्राफ के बीच में जो गैप है वो क्या रहेगा समान रहेगा ये चीज़ ध्यान रखनी है और याद रखना कि जब भी आप ग्राफ बनाएंगे बार ग्राफ बार उसमें स्तंभ आरेख या बार ग्राफ में कभी भी इन स्तंभों को पास पास मत बनाइएगा क्योंकि अगर आप ये बनाएंगे तो ये आपका आयत चित्र हो जाएगा बार ग्राफ में ये स्तंभ दूर दूर बनते हैं यानी कि इनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस छोड़ा जाता है एक एक स्तंभ बनाते हैं ठीक है चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पर कक्षा आठ के छात्र मोहन का विभिन्न विषयों में प्राप्तांक प्रतिशत निम्नवत है गणित में अस्सी प्रतिशत हैं हिंदी में पैंसठ प्रतिशत हैं अंग्रेजी में सत्तर प्रतिशत हैं विज्ञान में पैंतालीस प्रतिशत हैं सामान्य विज्ञान में साठ प्रतिशत हैं इन आंकड़ों को बार ग्राफ पर प्रदर्शित कीजिए कैसे करेंगे तो सबसे पहला आपका काम ये रहेगा कि आप स्केल के द्वारा एक लंबी सी लाइन खींच लें और स्केल में एक एक सेंटीमीटर जहाँ पर होता है ना बस वहाँ वहाँ पर चिन्ह लगाते हुए समान दूरी पे क्या करें एक एक सेंटीमीटर की दूरी पर इस प्रकार से छोटे छोटे जो चिन्ह हैं वो लगा लीजिएगा एक, एक सेंटीमीटर पर ठीक है ये जो नीचे की लाइन है ये आपकी है एक्स अक्ष सेम आपको काम यहाँ पर भी करना है एक लाइन ऊपर खींचनी है और दस दस सॉरी एक, एक सेंटीमीटर पर क्या करना है मार्क कर लेना है इस प्रकार से जब आप मार्क करेंगे तो एग्जैक्ट बराबर बराबर बीच की जो तो दूरी है बराबर निकलेगी यहाँ मेरी कुछ ऊपर नीचे हो गई है तो आप समझ सकते हैं ना क्योंकि मैं तो ऐसे ही लगा रही हूँ आपको उससे लगानी है स्केल से अब ये जो लाइन है ये है आपकी अक्ष यहाँ पर हम इन संख्यात्मक मानों को रखेंगे अस्सी पैंसठ सत्तर पैंतालीस साठ ये है ना संख्यात्मक मान तो हम क्या कर सकते हैं कि एक जो हमारा सेंटीमीटर के बीच की दूरी है इसको हम दस प्रदर्शित करें यानी कि दस प्रतिशत इसके बाद अगला बीस फिर तीस फिर चालीस फिर पचास फिर साठ फिर सत्तर फिर अस्सी क्लियर है और नीचे हम प्रदर्शित करेंगे किसको इनको विषयों को गणित हिंदी अंग्रेज़ी और विज्ञान एक एक कॉलम ले, ले लेंगे हम एक गणित का होगा ठीक है गणित में कितने अंक पाए हैं अस्सी अंक तो आपको क्या करना है ये लाइन अस्सी तक लेकर के जानी है और इस प्रकार से एक स्तंभ तैयार कर देना है क्लियर है अगला आपका कौन सा विषय दिया था अगला दिया था हिंदी और हिंदी में कितना प्राप्त किया था पैंसठ पैंसठ कहाँ मिलेगा साठ और सत्तर के बीच में जस्ट बीच में तो पैंसठ की जो लाइन रहेगी वो कहाँ रहेगी कहीं ना कहीं यहाँ पर तो आप अपना स्तंभ कैसे बनाओगे ऐसे पैंसठ ठीक है कौन सा विषय है बीच में लिख देती हूँ नीचे जगह नहीं बच रही है वैसे आपको नीचे ही लिखना है हिंदी मैं यहाँ पर बीच में लिखती हुई चलूंगी ठीक है अगला विषय क्या था आपका अंग्रेजी विषय अगला विषय क्या है अंग्रेजी है ना तो अंग्रेजी में कितने प्राप्त किए हैं सत्तर प्राप्त किए हैं सत्तर कहाँ दिख रहा है यहाँ पर सत्तर दिख रहा है ना तो बस इसकी सीध में आ जाइएगा और अपना जो चित्र है वो खींच दीजिए इस प्रकार से स्तंभ खींच दीजिएगा कौन सा विषय का है तो ये इंग्लिश विषय का हो गया नेक्स्ट है विज्ञान विषय तो विज्ञान विषय में कितने प्राप्त किए हैं विज्ञान में प्राप्त किए हैं पैंतालीस नंबर इतने ही तो प्राप्त किए हैं विज्ञान में तो 45 है कहां पर? 40 और पैंतालीस है कहाँ पर चालीस और पचास के बीच में बस सेंटर पर ला करके और इसको खींच दीजिएगा लाइन को ठीक है पैंतालीस बन गया सामान्य विज्ञान में कितने प्राप्त किए हैं साठ प्राप्त किए हैं तो सामान्य विज्ञान में साठ की सीध में जाकर एक खींच दीजिए साठ कहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर तो ये बन गया सामान्य ज्ञान का स्तंभ उम्मीद है कि आप कर लेंगे अब समझ में आ गए होंगे थोड़े थोड़े हाँ थोड़े से टफ़ हो सकते हैं यहाँ मैं आपको वैसे होता तो मैं समझा पाती स्केल के द्वारा बट थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी तो समझने का प्रयास करिएगा एक बार मैं आपको यहाँ पर ट्रेस करके दिखा देती हूँ कि आपको किस प्रकार से जो आंकड़ा है वो बनाना है ठीक है ऐसा आपका चित्र जो है बन करके तैयार होगा और आप लिखेंगे वाई अक्ष पर एक सेंटीमीटर बराबर दस प्रतिशत ठीक है बीच बीच में आपको लेकर के चलने एग्जैक्ट एक एक उस पर आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा पूर्णांक छ सौ में से प्राप्त किए गए कुल अंकों को दर्शाया गया है आरेख के रूप में इन आंकड़ों को निरूपित कीजिए 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि शिक्षार्थी दिए हैं किसी कक्षा के और उनका प्राप्तांक दिया है अमिता को मिले हैं 450 नंबर नमिता को मिले हैं 300 नंबर दीप्ति को मिले हैं 400 नंबर अजय को मिले हैं 350 अमर को मिले हैं 500 और नाज़िया को मिले हैं पाँच तो सबसे पहला काम क्या रहेगा स्केल से हम एक लंबी सी लाइन खींचेंगे और इस पर हम एक एक सेंटीमीटर पर क्या करेंगे इस प्रकार से चिन्ह बना लेंगे ये हमारे बन जाएंगे स्तंभ और ये हमारी क्या है एक्स अक्ष यहाँ पर हमारी वाह्य अक्ष रहेगी और सेम वाह्य अक्ष में भी हम क्या करेंगे एक एक उस पर सेंटीमीटर पर हम चिन्ह अंकित कर देंगे ठीक है चार सौ 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 का आप देखिए यहाँ पर है तो यहाँ पर एक एक सेंटीमीटर को हम सौ सौ नंबर से प्रदर्शित कर दें तो यहाँ पर रहेगा सौ अगला हो जाएगा दो सौ 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 का अंतर ले लो तीन सौ फिर हो जाएगा चार सौ फिर हो जाएगा पाँच सौ इसके बाद छः सौ सात सौ और तो है नहीं इससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं चलेगा अमिता को कितने मिले चार सौ पचास चार सौ पचास कहाँ आएगा चार सौ और पाँच सौ के बीच में ही तो होगा चार सौ पचास यानी कि यहाँ पर तो आपका जो स्तंभ बनेगा वो कैसे बनेगा ऐसे करके ठीक है अगला बताइए नमिता ने कितने प्राप्त किए तीन सौ तीन सौ कहाँ पर है यहाँ पर तो बस इसी की सीध में आपको बना देना है नमिता का स्तंभ ऐसे करके ठीक है चीके? इसके बाद दीप्ति ने कितने प्राप्त किए चार सौ चार सौ कहाँ आ रहा है यहाँ पर चार सौ है तो बस दीप्ति का स्तंभ कहाँ बनेगा इसकी सीध में स्केल से आप सीध लेकर के बनाए ठीक है अजय ने कितने प्राप्त किए तीन सौ पचास तीन सौ पचास नंबर कहाँ पर होंगे तीन सौ और चार सौ के बीच में यानी कि यहां पर तो यहां पर कहीं ना कहीं ऐसे बनेगा ठीक है आगे आइएगा नेक्स्ट अजय का हो गया अमर ने कितने प्राप्त किए पांच सौ नंबर पांच सौ कहाँ पर है तो पाँच सौ रहा यहां पर ठीक है तो ये बन जाएगा अमर का स्तंभ यहाँ पर थोड़ी लंबी लाइन करनी पड़ी नाज़िया ने कितने प्राप्त किए हैं तो नाज़िया ने प्राप्त किए पाँच सौ पचास पाँच सौ पचास नंबर कहाँ मिलेंगे पाँच सौ और छः सौ के बीच में यानी कि लगभग यहाँ पर तो बस यहाँ पर खींच देंगे हम कितना पाँच सौ पचास नाज़िया का हो गया सभी के आंकड़े प्रस्तुत हो गए ये जो ग्राफ बनकर क्या है ये क्या है आपका बार ग्राफ बस आपको क्या करना है इन सभी के नाम लिख देने हैं तो इन सब के नाम लिखते हुए चलिएगा यहाँ पर लिख देते हैं अमिता ठीक है यहाँ पर लिख देती हूँ नमिता यहाँ लिख देती हूँ दीप्ति वैसे नीचे लिखना है ठीक है मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आए ये अजय का है और ये अमर का है और ये नाज़िया का है क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कि एग्ज़ाम में कैसे बनाना है इस प्रकार से एग्ज़ाम में आपको इस प्रकार से प्रदर्शित करना है नीचे नाम लिखने ठीक है यहाँ पर और आपको हो सकता है इस सेमेस्टर में ग्राफ ना मिले तो आपके लिए सबसे बढ़िया उपाय मैंने स्केल से बताया हर एक सेंटीमीटर पर चिन्ह लगाते हुए खींच लीजिएगा नेक्स्ट आते हैं एक विद्यालय में के छात्रों की अलग अलग परिवहन से आने की सारणी निम्नवत है इसे स्तंभ आरेख के द्वारा प्रदर्शित करें स्तंभ आरेख या फिर बार ग्राफ दोनों एक ही चीज हैं क्योंकि तो आपने देखा है पिलर जैसा कुछ बन रहा है ना स्तंभ जैसा या बार जैसा इसीलिए इसको स्तंभ आरेख बोलते हैं ठीक है तो देखिए यहाँ परिवहन दिया है कार से आने वाले बीस छात्र हैं साइकिल से आने वाले अस्सी हैं बस से आने वाले सौ हैं पैदल वाले पचास हैं और रिक्शे वाले साठ हैं तो कहीं ना कहीं हम क्या करें दस दस वाला ले लेते हैं आंकड़ा सबसे पहले वही हमको एक लाइन खींचनी है एक इस तरीके की हर एक सेंटीमीटर पर हम चिन्ह लगाएंगे इस प्रकार से हर एक सेंटीमीटर पर, पर लगाओगे तो आपको कहीं ना कहीं डिस्टेंस आपकी समान रहेगी जो हमें चाहिए अगर हमें ग्राफ पेपर नहीं मिलता है एग्ज़ाम में तो हम इस चीज़ को इसी के द्वारा करेंगे और यहाँ पर भी हम हर एक सेंटीमीटर पर चिन्ह लगा लेंगे कितने थे टोटल बच्चे वो सौ लास्ट संख्या सौ है तो हम दस दस लेकर के चल सकते हैं तो दस बीस तीस चालीस पचास साठ सत्तर अस्सी नब्बे और लास्ट यहाँ पर रहेगा सौ कार से आने वाले बच्चों की संख्या कितनी है कार से आने वाले बच्चे हैं बीस बीस कहाँ रहा ये तो ये तो कार से आने वाले बच्चे हो गए ठीक है इसके बाद साइकिल से आने वाले बच्चे कितने हैं अस्सी अस्सी की सीध कहाँ है यहाँ पर तो ये हो जाएंगे साइकिल से आने वाले बच्चे क्लियर है इसके बाद आइएगा बस से आने वाले बच्चे कितने हैं बस से आने वाले हैं सौ बच्चे सौ की सीध रही ये वाली तो बस से आने वाले बच्चों का ग्राफ बनेगा ऐसा इसके बाद ठीक है लाइनें थोड़ी टेढ़ी हो रही हैं तो परेशान नहीं हो उसके लिए मैं आपको ड्रॉ किया हुआ भी दिखा दूँ ये भी इसके बाद बस से आने वाले पैदल वाले कितने हैं पचास पचास कहाँ रहा है यहाँ पर तो पचास ये बन जाएगा नेक्स्ट है रिक्शे वाले कितने हैं साठ रिक्शे वाले बच्चे हैं तो साठ कहाँ पर मिलेगा पचास से ऊपर मिलेगा तो यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए साठ ठीक है तो इस प्रकार से ये जो आंकड़ा है वो आपका बन के तैयार हो जाएगा उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कुछ ऐसा बन करके आएगा यहाँ पर मैंने नाम नहीं लिखे नाम लिख देती हूँ पहला था आपका कार इसके बाद दिया था साइकिल इसके बाद दिया था बस फिर दिए थे पैदल वाले और फिर दिए थे रिक्शे वाले क्लियर है तो ये बनता है आपका बार ग्राफ उम्मीद है कि समझ में आ गए होंगे तैयार कर लो अच्छे से आगे हम बढ़ते हैं अपने पाई चार्ट पर यानी कि पाई ग्राफ पर पाई या व्रत आरेख दोनों सेम है और पाई जो आपका चार्ट बनता है उसमें आपका सर्कल बनता है और उस सर्कल के अंदर जो है वो आंकड़े दिए जाते जैसे आपने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर देखे भी होंगे कि बहुत से आंकड़े आपको जैसे जनसंख्या वृद्धि का या और किसी चीज़ का साक्षरता का आंकड़ा आपने देखा होगा ऐसे एक सर्कल बनता है और उसमें कहीं इस प्रकार से जो है वो बताते हैं कि ये चीज़ इतनी है ये चीज़ इतनी इतने प्रतिशत है तो ये होता है आपका पाईग्राम ठीक है इसमें क्या करते हैं व्रत आरेखया पाईग्राफ के द्वारा आंकड़ों को व्रत के त्रीज्य खंडों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है इसे पाई चार्ट भी कहते हैं व्रत एक बनाया और इसमें छोटे छोटे त्रिज्य खंड बना दिए इनके द्वारा हमने अपने आंकड़ों को बता दिया कि भाई इसकी इतनी वैल्यू है क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि एक बगीचे में अच्छा एक चीज मैं आप बता दूँ आपको कि इस आंकड़े में जो आपको संख्यात्मक मान दिए जाएंगे हो सकता है कि आपको कुल वैल्यू दी जाए ठीक है कुल संख्या दे दी जाए कि भाई इतनी इतनी है हो सकता है कि आपको उन जो भी वस्तुएं दी जा रही हैं उनका जो मान है वो प्रतिशत में दे दिया जाए पहला तरीका है कि जैसे मान लो कि एक व्यक्ति ने जैसे आपका क्वेश्चन था ना अगस्त से लेकर ले के दिसंबर तक इतने इतने पंखे बेचे इतने इतने कूलर बेचे तो संख्या में मान दे दिया या वहीं पर प्रतिशत संख्या दे दी दस प्रतिशत बेचे बीस प्रतिशत बेचे या फिर हो सकता है कि वहाँ पर आपको भिन्न में मान दे दिए जाए तो यहाँ पर आपको तीन प्रकार से वैल्यू मिलेंगी भिन्न भी प्रतिशत भी और संख्यात्मक भी पहला क्वेश्चन जो है उसमें भिन्नात्मक मान दिए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले इसको देखते हैं पहला क्वेश्चन अब रीड करिएगा अब समझ में आएगा क्वेश्चन क्या है कि एक बगीचे में विभिन्न फूलों के पौधे लगे हैं जो कि इस प्रकार हैं उद्यान के आधे भाग में आधे भाग में गुलाब के पौधे एक तिहाई भाग में गेंदे के पौधे और शेष भाग में चमेली के पौधे हैं इसको पाई चार्ट से दर्शाइएगा। कहीं कोई संख्यात्मक मान मिला केवल भिन्न मिल रही है आधे भाग में गुलाब के पौधे हैं तो बताइए गुलाब के पौधों के लिए भिन्न कितनी बनेगी आधे भाग में यानी कि एक बटे दो भाग में एक तिहाई भाग में गेंदे हैं गेंदे के लिए भिन्न कितनी बन जाएगी एक तिहाई का मतलब एक बटे तीन चमेली के लिए बताओ कितनी भिन्न होगी शेष भाग में चमेली है फ्रैक्शन में टोटल कितना होता है वन टोटल में से एक बटे दो भाग में गुलाब है और एक बटे तीन भाग में गेंदा है टोटल में से जितने में गुलाब और गेंदा है इसको घटा दें तो हमें चमेली का पता चल जाए कितने भाग में चमेली के पौधे होंगे ठीक है तो आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो कि वन माइनस गुलाब प्लस गेंदा का भाग ठीक है तो वन माइनस करेंगे क्या करेंगे एक बटे दो प्लस एक बटे तीन माइनस कर दो वन माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर छः आ जाएगा तीन प्लस दो तो यहाँ बन जाएगा तीन दो पाँच तो वन माइनस फाइव अपॉन सिक्स एलसीएम लेंगे छः हो जाएगा तो छः माइनस का पाँच यानी कि एक बटे छः एक बटे छः भाग में चमेली है एक बटे तीन भाग में गेंदा है और एक बटे दो भाग में गुलाब है अब यहाँ पर एक चीज़ समझना जब आप पाई चार्ट बनाते हैं तो उसमें व्रत बनेगा और व्रत में जब आप संख्याओं को प्रदर्शित करेंगे इनके मानों को प्रदर्शित करेंगे तो आपको अंश में वैल्यू चाहिए यहाँ कहीं अंश में दी है नहीं दी है तो अंश में मान निकालो गुलाब के लिए देखिए कैसे अंश में मान निकालेंगे गुलाब गुलाब के लिए कितनी भिन्न दी गई थी एक बटे दो इसको अंश में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ कितने का गुणा करना है तीन सौ साठ डिग्री का काटो दो एकम दो दो एकम दो 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 दूनी सॉरी एक बचेगा दो अट्ठे सोलह और जीरो यानी कि एक सौ अस्सी डिग्री बनेगा गुलाब का भाग इसके बाद गेंदे का बनाइएगा गेंदा कितने भाग में था एक बटे तीन में था तो एक बटे तीन अंश बनाने के लिए तीन सौ साठ डिग्री का गुणा करेंगे तीन एकम तीन तीन एकम तीन तीन, तीन, तीन दूनी छः और जीरो का जीरो यानी कि एक सौ बीस डिग्री हो गया गेंदे का भाग चमेली का निकाल दें इसी प्रकार से चमेली का यहां साइड में कर देती हूं चमेली का कितना निकल आएगा एक बटे छः गुणा तीन सौ साठ छः कम छे, छे चिंग छत्तीस और जीरो चमेली का बन गया साठ अंश तो यहां पर देखिए साठ अंश एक सौ बीस अंश और एक सौ अंश ये आपको दर्शाना है यहाँ पर कहाँ इस व्रत में तो इसके लिए आपको चांदे की सहायता लेनी पड़ेगी सबसे पहले आप एक लाइन खींचेंगे इस प्रकार से फिर यहाँ पर चांदा रख कर के एक सौ अंश देखेंगे तो एक सौ अंश में आपकी बिल्कुल सीधी लाइन हो जाएगी वन एटी डिग्री ये हो गया गुलाब का भाग इसके बाद आपको क्या दर्शाना है गेंदा तो आप क्या करेंगे अब चांदे की जो लाइन है उसको यहाँ पर रखेंगे और 120 डिग्री मेजर करेंगे तो कहीं ना कहीं वो यहाँ तक आएगा ठीक है तो ये जो 120 डिग्री है ये आपका क्या हो जाएगा गेंदे का भाग और बाकी का साठ डिग्री बचा हुआ किसका हो जाएगा चमेली का भाग इस प्रकार से ये बनेगा हो सकता है अभी थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ हो अगले क्वेश्चन से हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा टेलीविज़न के विभिन्न ब्रांडों का क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है यहाँ पर संख्यात्मक मान दिया है ठीक है ब्रांड ए के चालीस हैं बी के बीस हैं सी के पंद्रह हैं डी के पंद्रह हैं और ई के दस हैं इन आंकड़ों को पाई चार्ट पर निरूपित कीजिए आपको पता है हर एक ब्रांड का हमें अंश में मान चाहिए तभी हम पाई चार्ट पर दिखा पाएंगे तो अंश में मान निकालने के लिए क्या करना होगा जब संख्या दी जाएगी तो सबसे पहले हर एक ब्रांड की संख्या आपको दी है टोटल संख्या निकालिए कि कुल कितने यहाँ पर हैं क्या दिए थे क्रय करने वाले कुल कितना क्रय किया गया है तो ऐड करो चालीस और बीस कितना हो जाएगा साठ और पंद्रह पंद्रह तीस साठ और तीस हो गया नब्बे और नब्बे और दस कितना हो जाएगा सौ यानी कि कुल संख्या यहाँ पर कितनी हो गई प्रश्न में सौ हो गई तो कुल संख्या हो गई यहाँ पर सौ अब हमें ए का अंश में मान चाहिए तो ए का अंश में या डिग्री में मान ठीक है मैं सीधे सीधे लिखती हूँ एक का मान एक का मान जो संख्यात्मक मान दिया है वो डिवाइड में टोटल गुणा तीन सौ साठ ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल जीरो ज़ीरो कैंसिल एक का मान कितना हो जाएगा चार छिंग चौबीस हासिल दो लग जाएगी चारतियाँ बारह और दो चौदह एक सौ चवालीस डिग्री बन गया बी का मान निकालिएगा बी का कितना निकलेगा संख्यात्मक मान है बीस टोटल है सौ गुणा डिग्री बनाने के लिए तीन सौ साठ डिग्री का गुणा करेंगे जीरो से ज़ीरो कैंसिल ज़ीरो ज़ीरो कैंसिल दो छिंग बार है हाँ सिल एक दो तीन छः और एक सात बहत्तर डिग्री सी का मान निकालिएगा सी का कितना निकलेगा पंद्रह बटे टोटल गुणा तीन सौ साठ डिग्री ज़ीरो से जीरो कैंसिल पाँच तियाँ पंद्रह पाँच धोनी दस दो एकम दो दो एकम दो दो, दो, दो अट्ठे सोलह अठारह तियाँ चौवन क्लियर है चौवन डिग्री बन गया डी का भी सेम ही आना है क्योंकि डी भी तो पंद्रह ही था पंद्रह टोटल मान सौ गुणा तीन सौ साठ बराबर जीरो से जीरो कैंसिल पानतियाँ पंद्रह पान दुनी दस दो एकम दो 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 एकम दो दो अट्ठे सोलह अट्ठारहतियाँ चौवन डिग्री और ई का मान कितना आएगा दस उसके बाद बटे में टोटल मान गुणा तीन सौ साठ डिग्री ज़ीरो ज़ीरो कैंसिल ज़ीरो ज़ीरो कैंसिल कितना आ गया छत्तीस डिग्री जब आप ये संख्यात्मक मान निकाल सॉरी डिग्री में मान निकाल लेंगे तभी आप इसको पाई चार्ट पर दिखा पाएंगे ठीक है चलिए तो पाई चार्ट पर बनाने के लिए क्या करना है कि आपको एक सर्कल इतना बड़ा बना लेना है बना लेंगे इसके बाद आप एक लाइन खींचेंगे केंद्र से लेकर के यहाँ तक अब चांदे की जो लाइन होती है चांदा मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ इस प्रकार से रहता है आपका चांदा तो चांदे की जो ये वाली लाइन है ना इस लाइन को आप उस लाइन के ऊपर रखेंगे और जहाँ पर आपका जैसे सत्तर है तो जहाँ सत्तर डिग्री आए वहाँ पर टिक लगा के और ऐसे करके लाइन खींच देना ठीक है फिर अगली लाइन क्या करेंगे अगली बार ये जो लाइन बनी है इस लाइन के ऊपर चांदे की आपको ये वाली लाइन लेकर आनी है यानी कि चांदे को घुमा देना है जब आप घुमा देंगे तो इस लाइन के ऊपर इस लाइन को टच कराएंगे और फिर आपको फिर वैसी जितने डिग्री का चाहिए एंगल पचास का चाहिए तो वहाँ तक पचास तक ले करके जाएं और ड्रॉ कर दें तो इस प्रकार से आप चांदे की सहायता से ड्रॉ कर सकते हैं हम क्वेश्चन पर आते हैं सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे किसको एक सौ चवालीस डिग्री को तो यहाँ पर चांदे पर रखेंगे और हम यहाँ पर आसानी से एक सौ चवालीस ड्रॉ कर देंगे लगभग आपका इतना जाएगा यहाँ मैं ऐसे ही अंदाज से बना देती हूँ एक सौ चवालिस इसके बाद आपको क्या ड्रॉ करना होगा तो इसके बाद आप ड्रा कर दीजिएगा थर्टी सिक्स जो भी आपको ठीक लगे वो बस आपको चलते हुए चलना है थर्टी सिक्स आपका अप्रोक्स यहाँ बनेगा जा कर के इसके बाद फिफ्टी फ़ोर फिफ्टी फ़ोर ये अप्रोक्स बराबर होंगे और फिर बहत्तर डिग्री ये सब आप चांदे की सहायता से ही बना सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है इसको समझने में कि कैसे ड्रॉ करना है तो मैं एक शॉर्ट्स के माध्यम से आपको बता दूंगी या फिर जब मैं आपको आपका जो वो चैप्टर है उम, कौन सा वाला साठ डिग्री नब्बे डिग्री एक सौ बीस डिग्री के मान याद करने का तो वहाँ पर मैं इसको अच्छे से बता दूँगी अब एक बार आप देख लीजिएगा सबसे पहले हमने इसमें क्या किया था टोटल निकाला था इसके लिए इसके बाद फिर हमने सभी ब्रांड के क्या निकाले अंश में मान निकाले ए का निकला एक अंश में मान निकालने के लिए क्या करना था कि जो संख्या ए की दी गई थी उसमें टोटल का भाग देना था और अंश बनाने के लिए तीन का गुणा करना था ठीक है ऐसे बी का निकाला सी का निकाला डी का निकाला और ई e का निकाला फिर हमने एक सर्कल बनाएंगे हम और चांदे की सहायता से सारे अंशों को हम ड्रॉ कर देंगे क्लियर है ऐसे बनेगा सेम जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको चमेली वाला कराया था वो देख लीजिएगा गुलाब की संख्यात्मक भिन्न दी थी उसके बाद गेंदे की दी थी हमने गुलाब और गेंदे की भिन्न की सहायता से चमेली की जो भिन्न है वो निकाल ली अब इन सब भागों को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया गुलाब का जो भी भिन्न दी थी उसमें तीन डिग्री का मल्टीप्लाई कर दिया और इस हिसाब से हमारे गुलाब का एक अंश निकला गेंदे का एक सौ बीस अंश चमेली का साठ अंश और चांदी की सहायता से हम इसको भी ड्रॉ कर देंगे इस प्रकार से ठीक है लास्ट क्वेश्चन है आज का इसको देख लीजिएगा एक विद्यालय में कक्षा बारह का परिणाम निम्नवत है यहाँ पर जो मान दिया है वो प्रतिशत में दिया है तो परेशान नहीं होना है बहुत आसान है आपको फर्स्ट श्रेणी के जो बच्चे हैं इनकी डिग्री में मान चाहिए तो क्या करना है जो मान दिया है वो रखिएगा आपको पता है प्रतिशत में जो कंप्लीट प्रतिशत होता है वो कितना होता है होल सौ प्रतिशत पूरा अगर हम पूछे तो कितना प्रतिशत होगा कंप्लीट मान सौ प्रतिशत होगा तो डिवाइड किसका करोगे सौ का करोगे और गुणा किसका करोगे तीन सौ साठ का अगर यही प्रतिशत नहीं दिया जाए तब आपको क्या करना जैसे संख्या दी गई थी ना यहाँ पर ऊपर वाले क्वेश्चन में तो इन संख्याओं को सबको ऐड कर देना था अब इत्तफाक से यहाँ पर जी भी जो मान निकला वो सौ निकला मान लीजिए यहाँ पाँच सौ निकला होता तो आप इन सभी को भिन्न में बदलने के लिए पाँच सौ का डिवाइड देते जितना भी टोटल आएगा उसका डिवाइड देना होगा बट अगर मान प्रतिशत में दिया है तो आपको आँख मूंद के कितने का डिवाइड देना है सौ का ही देना है तो इस हिसाब से फर्स्ट श्रेणी वालों के लिए अंश में कितना मान निकल के आएगा जीरो से ज़ीरो कैंसिल जीरो ज़ीरो कैंसिल तीन छिक अठारह हासिल एक तीन तेर का नौ और एक दस यानी कि एक सौ आठ डिग्री सेम इसी प्रकार से आपको सेकेंड श्रेणी का निकालना है फिर थर्ड श्रेणी का निकालना है और फिर जो अनुत्तीर्ण हुए हैं उनका तो सेकेंड श्रेणी का निकालिए कितना निकलेगा मान कितना है चालीस प्रतिशत है तो सौ का भाग देंगे पूरा और तीन सौ साठ डिग्री का गुणा करें, करेंगे ज़ीरो से ज़ीरो जीरो से ज़ीरो जीरो, जीरो से कैंसिल चार छिंग चौबीस हासिल लगी दो चार चारतियाँ बारह और दो चौदह एक सौ चवालीस डिग्री अब निकालिए थर्ड श्रेणी का तो थर्ड वालों का मान कितना होगा दस है भाग देंगे सौ प्रतिशत का गुणा करेंगे तीन सौ साठ डिग्री का ज़ीरो ज़ीरो कैंसिल ज़ीरो ज़ीरो कितना आ गया छत्तीस डिग्री ऐसे ही फोर्थ अनुत्तीर्ण फेल वाले का निकालिए तो उनका मान था बीस डिग्री बटे सौ गुणा तीन सौ साठ ज़ीरो ज़ीरो कैंसिल ज़ीरो जीरो, जीरो कैंसिल दो छिन बार हाथ से एक दो छः और एक साथ यानी कि सेवनटी टू डिग्री आ गया सभी का ये तो बन गए क्या आपके अंश में मान सबसे पहले तो यही मान निकाल लें जब प्रतिशत में दिया होगा तो बस सौ का डिवाइड कर देना है और जब प्रतिशत में नहीं दिया गया होगा संख्यात्मक मान दिए गए होंगे तो सभी का टोटल कर देना देखिए सभी के लिए मैंने अंश में मान यहाँ पर निकाल दिए हैं एक सौ आठ निकला एक सौ चवालीस निकला छत्तीस निकला और बहत्तर निकला अब आपको क्या करना है एक सर्कल बनाना है और बीच में आप क्या करेंगे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे फिर चाँदी की सहायता से चांदी को यहाँ पर रख कर के एक सौ चवालीस डिग्री खींच लेंगे फिर चाँदी को कहाँ रखेंगे इस पर रखेंगे और छत्तीस डिग्री खींच लेंगे फिर चाँदी को अगली बार कहाँ रखेंगे यहाँ पर रखेंगे एक सौ आठ डिग्री खींच लेंगे और फिर चाँदी को नेक्स्ट टाइम पर कहाँ रखेंगे यहाँ पर रखेंगे और बहत्तर डिग्री खींच लेंगे तो इस प्रकार से आपके जो भी मान दिए थे वो सब ड्रॉ हो जाएंगे कहाँ पाई चार्ट पर तो इस प्रकार से हम पाई चार्ट को ड्रॉ करते हैं उम्मीद है समझ में आया होगा थोड़ी सी दिक्कत रही होगी पाई चार्ट में मैं समझ सकती हूँ जब तक प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाया जाएगा तो दिक्कत आ सकती है बट मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको इस क्वेश्चन को जो रहे उस टाइप से समझा पाऊँ ठीक है चलिए तो आज इतना ही रखती हूँ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल बाय टेक केयर